ताइवान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है और खबर आ रही है कि जिनपिंग ने दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस खबर पर कजान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, 5 साल के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, बैठक से क्या निकलकर सामने आ रही है? भारत और चीन के नेताओं के बीच यहाँ कजान में हुई बैठक, और ये पहली बैठक है दोनों नेताओं के बीच करीब 4.5 सालों में। आखिरी बार ऐसी बैठक हुई थी 2019 में, और उसके बाद हमने देखा गलवान के बाद रिश्तों में काफ़ी तलखी आ गई थी। अब बड़ा फोकस यही है कि कैसे रिश्तों को अच्छा करा जा सके। चीन कहता आया है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स की ज़रूरत है। भारत के बिजनेसेस कहते आए हैं कि जो स्क्रूटनी है जो चाइनीज़ बिजनेसेस को लेकर, वीज़ा को लेकर, वो ख़त्म होनी चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। चीन की इकॉनमी भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, ईवी को लेकर काफ़ी प्रेशर है यूरोप से, तो कहीं ना कहीं भारत से अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फ़ायदा दोनों भारत और चीन को है। हमने देखा कि कैसे इस सप्ताह के स्टार्टिंग में हमने देखा एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ, और उस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के तहत जो सिचुएशन है डिसएंगेजमेंट की, और हमने देखा कि कैसे जो मसला बना हुआ था बॉर्डर, उसको लेकर लग रहा है रेजोल्यूशन आ गया है। आज की जो बैठक यहाँ कजान हो रही है वो एक तरफ से रिश्तों को अच्छा तो करेगी और अपॉर्चुनिटीज भी दे सकती है। क्या अगला स्टेप होगा मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोविड के वक्त के बाद से मानसरोवर यात्रा नहीं शुरू हुई है। ये एक लगता है एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट है भारत और चीन के बीच, और इसके अलावा और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया बिजनेस के लिए। सिद्धांत सिब्बल कजान से, कैमरा पर्सन अजीत के साथ।